हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? मेरा नाम है रजनीश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रजनीश में, यानी SWR। तो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों किया। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जब से लॉकडाउन लगा है, स्टूडेंट की सच में वोट लगी पड़ी है। स्टूडेंट्स खुद से 1.5-2 साल पीछे हो गए हैं, कोचिंग्स वगैरह सब बंद है, कोचिंग में जाना भी सेफ नहीं है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे ऑनलाइन स्टडी बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित है। ऑनलाइन स्टडी में एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अपने हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे आपको रात में पढ़ने का मन है तो आप वीडियो रात में चला सकते हैं। तो ये सब इसके अपने एक फ़ायदे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूँ, मेरा नाम है रजनीश और मैं इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर हूँ और मैं वेस्टर्न रेलवे में हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरी ज्वाइनिंग 2018 में हुई, जिनके फॉर्म 2015 में निकले थे। जैसा कि आपको पता है कि यार रेलवे का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, तो इसमें थोड़ा ज्वाइनिंग प्रोसेस है। ज्वाइनिंग प्रोसेस लंबा है, लेकिन सबसे पहले हमें एक फ़ायदा है, जॉब की श्योरिटी है, क्योंकि सिलेबस बहुत ईजी होता है। बस स्ट्रेंथ बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बस क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका यह है, तो आपन बेसिकली इस यूट्यूब चैनल में रेलवे के बारे में नहीं, रेलवे के साथ साथ बैंकिंग एग्ज़ाम, SSC, CHSL, SSC, CGL और स्टेट PCSC के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं, क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। जिस तरह किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये काम कब स्टार्ट होगा, क्या क्या इसमें करना है, तो वैसे ही एग्ज़ाम एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक ईजी वे में चालू रखें, तो आप इजीली इसको पार कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम को। तो सबसे पहले एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है, आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस, उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट के कितने कितने टॉपिक्स इस एग्ज़ाम में शामिल हैं। अगर आपने ये काम कर लिया, तो विश्वास मानिए फ्रेंड्स, आपने अपना एग्ज़ाम 10% वैसे ही क्लियर कर लिया। सोचिए, बस सिर्फ सिलेबस ने को आपने अच्छे से देख लिया, तो आपने 10% अपना एग्ज़ाम वैसे ही क्लियर कर लिया। आपने अगर सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस कर लिया, आप मेरी बात मानिए, तो सिलेबस जो आपका स्टडी रूम है, उसको अच्छे से लिख कर या फिर प्रिंट आउट करवा के अपनी टेबल चेयर के सामने रख दें, तो आप देखेंगे सिलेबस पूरा करने के बाद, सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगेगा। सिलेबस के बाद जो अगली चीज़ है, वो है लास्ट ईयर्स के पेपर, लास्ट ईयर्स पेपर्स। अब देखिए, आपको सिलेबस अच्छे से पता है, लास्ट ईयर पेपर्स आपने अच्छे से देख लिए हैं। लास्ट ईयर पेपर्स के देखने का फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम की स्ट्रेंथ कितनी है, एग्ज़ाम की औकात कितनी है, कितना हार्ड है वो एग्ज़ाम, कितना इजी वो एग्ज़ाम है। तो अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर को अच्छे से देख लिया है, याद सा कर लिया है कि यार ऐसा ऐसा है, मैथ्स के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स के इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आपने ये भी कर लिया, तो आपने फिर से 10% लगभग अपना पार्ट पूरा कर लिया है। 10-10-20% तो आपने यहीं क्लियर कर लिया। और अपना जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड बेसिकली कुछ भी नहीं है, थर्ड अपना जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिला के है, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। मतलब आपको इसमें एनालिसिस करना है, थर्ड में एनालिसिस आपको करना है कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देखेंगे, तो उसमें 100 में से सपोज मानिए वो एग्ज़ाम है, तो आपको हार्डली उसमें से 70 से लेके 80% नंबर लाने रहेंगे। अगर आप OBC में हैं तो उससे कम, अगर आप SC में हैं तो उससे कम, ST में हैं तो उससे कम। तो अपन को एक बात याद रखें, अपन को 100 में से 100 नंबर नहीं लाने। तो आप सबसे पहले उस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक है, उनको एनालिसिस कीजिए अच्छे से कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। यदि अपन किसी भी टॉपिक को देखें, अगर उसमें हर एक पेपर में लगभग
10 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर किसी में से एक एक ही क्वेश्चन आ रहा है, या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से किसी किसी साल ही क्वेश्चन आया, तो हम उस टॉपिक को हटा सकते हैं, हम उस टॉपिक को उससे रिमूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उस टॉपिक को पढ़ें। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक में से जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सबसे पहले वही टॉपिक क्लियर करें और वही टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कर लें। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपने अच्छे से देखा, एनालिसिस पार्ट आपने अच्छे से देख लिया। और जो फोर्थ पार्ट आता है, फोर्थ में आएगा सेल्फ सेल्फ एनालिसिस। फ्रेंड्स, आपने थर्ड में जो एनालिसिस किया है वो आपने पेपर का एनालिसिस किया है, फोर्थ में जो आप एनालिसिस करेंगे वो आप सेल्फ एनालिसिस होगा कि आपको कौन सा टॉपिक कितना हार्ड लग रहा है, कौन सा इजी लग रहा है। अगर आप 0 लेवल पर भी हैं या आप 70-40 लेवल पर ही हैं, तो आपको ऐसा पता होगा कि यार ये टॉपिक दिखने में इजी लग रहा है, ये टॉपिक सही है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलूँगा कि जो आपका इजी टॉपिक है, जो आपको हल्का फुल्का आता है, उस टॉपिक को अपन सबसे पहले और स्ट्रॉन्ग करेंगे और हार्ड को थोड़ा और इजी करेंगे। तो सेल्फ एनालिसिस पार्ट पे आ गया। और फिफ्थ पार्ट ये है कि आप उस टॉपिक को अच्छे से लिख लेंगे कि सबसे पहले मुझे ये टॉपिक पूरा करना है, और उस टॉपिक पे अपन सबसे पहले जोर डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक जो मैंने 5 स्टेप आपको बताई, ये 5 स्टेप आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं भी जब एक स्टूडेंट था तो मैं पहले खुद से ऑब्जर्वेशन करता था कि यार सिलेबस अच्छे से आपने देखा, शॉप या फिर ऑनलाइन जाके लास्ट ईयर्स के पेपर्स मैंने अच्छे से देखे, फिर उसके बाद मैंने सिलेबस और लास्ट ईयर्स के पेपर को एनालिसिस किया। पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैंने सेल्फ एनालिसिस किया कि यार मैं कितने गहरे पानी में हूँ, मुझे कितना आता है। वो करने के बाद मैंने वो टॉपिक्स लिखे जो इजी थे, हार्ड थे, जिनमें मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, मैंने कहा चलो अब ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चलते हैं। और मैं आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस यूट्यूब चैनल में अपन रेलवे के एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे, SSC, CGL, CHL, CHSL, बैंकिंग, स्टेट, PCSC, और इसके अलावा अपने काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ESIC होता है या फिर अपना दिल्ली गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें पूरा SSC का ही सिलेबस है। तो ये आपके उसके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें SSC का ही सिलेबस है ज़्यादातर एग्ज़ामों में, या फिर बैंक का सिलेबस आता है बहुत से एग्ज़ामों में। तो बेसिकली ये आपका UPSC को छोड़कर सभी के लिए है ये, क्योंकि UPSC इतना इजी नहीं है, उसके बारे में अपन अगली बार देखेंगे फिर कभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी, मैंने आपको किस तरह एग्ज़ाम क्लियर करना है वो बता दी, अब मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी बताऊँगा कि मैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से किस तरह हेल्पफुल साबित हो सकता हूँ किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, मैं आपके लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा होगा, मैं डायग्राम बेसिस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे अपना ज्योग्राफी हो गया, इन सब पे हम लोग डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि डायग्राम इजी टू अंडरस्टैंड होता है। सेकेंड हमारा जो मेन होगा वो होगा NCERT सोर्स होगा, क्योंकि देखिए NCERT एक सेल्फ है, मतलब NCERT एकदम की प्रूवन है NCERT, तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो मेरा जो मेन होगा प्रूवन वो NCERT के ऊपर होगा, क्योंकि अपने सोर्सेज जो होंगे वो NCERT पर डिपेंड होगा। अगला होगा मेरा हैंड रिटन, जो भी मेरे नोट्स होंगे ज़्यादातर हैंड रिटन होंगे, क्योंकि मैं खुद से ऑब्जर्वेशन करके, खुद से बहुत सारी बुक्स का समाकलन करके, मैं आपको उसमें से छांट छांट के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिख लिख कर आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और अगला है अपना कनेक्टेड विद करंट इशू, जैसे अपना ज्योग्राफी हो गया या फिर पॉलिटी हो गया, उनको मैं स्टैटिक GK के साथ तो कनेक्टेड करूंगा ही करूंगा, साथ में उसको करंट इशू के साथ भी कनेक्टेड करूंगा। ठीक है, अगला ये जो अपना गूगल मैप का कॉन्सेप्ट है, ये अपना ज्योग्राफी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा ज्योग्राफी में। और आप देखिए इतना अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा जितना अपन पढ़ाएंगे ज्योग्राफी को। तो अब मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि भाई तुम ये सब बता तो रहे हो लेकिन तुमने क्या किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ओनली RS का प्री एग्ज़ाम क्लियर किया, मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ यार। SBI मैंने कलर्क क्लियर किया है, IBPS कलर्क मैंने क्लियर किया, ये दोनों मैंने क्लियर किए थे 2018 में,
बट इनकी ग्रेड पे क्या है, थोड़ी सी लोअर होती है, और स्टेशन मास्टर की ग्रेड पे 4200 होती है, और करंटली मेरा प्रमोशन हो गया है 4600 ग्रेड पे। मैं मतलब स्टेशन सुपरिंटेंडेंट में बन गया हूँ, तो बेसिकली इसकी नीड नहीं है। एसएससी सीएचएसएल का आपको पता है मैक्सिमम ग्रेड पे 2800 या फिर शायद 2400, ज़्यादा नहीं होती है। और एसएससी सीजीएलई 2018 में मैंने जो अपना एसए पार्ट होता है वहाँ तक मैं गया, लेकिन उसके बाद मैं बाहर निकल गया। फिर उसके बाद मेरा आरआरबी में हो गया था। एक्चुअली मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, राइटिंग बहुत मैटर करता है, तो राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उतना काम नहीं बन पाया। तो यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि मैं आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करूँगा, और राइटिंग इशू पे आप खुद से ध्यान दे लेना, या फिर जब अपना सिलेबस लगभग पूरा हो जाएगा हर एक एग्ज़ाम का, तो मैं आपको बता दूंगा कि यार किस तरह आप राइटिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यार बेसिकली अपना यूट्यूब चैनल जो बनाने का कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और विश्वास मानिए अपन बहुत मेहनत इस पर कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क इस पर कर रहे हैं अपन, और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप प्लीज़ अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आपकी फैमिली में कोई भी है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या फिर वो बच्चा 12th या फिर 10th क्लास में है, वो भी इसको देख सकता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स फाउंडेशन वहीं से मजबूत होगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और देखते रहिए ये यूट्यूब चैनल, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, दीजिए इजाज़त, थैंक यू, जय हिंद।